बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के साथ मैं लेके आया हूँ सुजुकी अल्टो में VXL पैकेज, जो कि सबसे लोडेड वेरिएंट है पाकिस्तानी अल्टो में। तो इसके बारे में आज बात करेंगे और साथ ही साथ मैं इसको VXR के साथ भी कंपेयर करूँगा, जो कि इसका अनलोडेड वेरियंट है। तो दोनों की कंपैरिजन भी की जाएगी आज और साथ ही साथ में इसकी रिव्यू भी करूँगा मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी और जेपनीज अल्टो की शेप में सच कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के में और सीटिंग बाज एक गाड़ी में इसकी सीटिंग्स में फ़र्क है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साइड से, तो इसके अगर साइड मिरर्स आप देख रहे हैं तो साइड मिरर्स इसके बॉडी कलर के साथ मैचिंग में आते हैं। और अगर पीछे से मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो पीछे से भी जिस तरह जेपनीज गाड़ी का शेप है वैसे ये गाड़ी पीछे से भी बिल्कुल सेम ही है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इस साइड पे मैं VXR की बात करूं तो साइड मिरर जिस तरह जेपनीज अल्टो में L में ब्लैक कलर में आती हैं, तो इसके साइड मिरर्स भी ब्लैक कलर में और डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। तो आइए पहले जो है VXL के बारे में बात करते हैं, उसकी इंटीरियर की तरफ जाते हैं, इंटीरियर में देखते हैं कि क्या इसके फ़ीचर्स हैं और क्या इसमें डिफरेंस है। तो अगर सबसे पहले मैं साइड में इधर जो है सिस्टम की बात करूं, तो जिस तरह लोडेड गाड़ियों में पावर विंडोज़ आती हैं, पावर मिरर सॉरी, तो इस तरह इधर भी जो है पावर विंडोज़ आपको मिलेंगी। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो लॉक अनलॉक का बटन भी है मिरर्स के, तो बच्चे अक्सर जो है इसको लॉक मिरर को ऊपर नीचे करते हैं, तो इसके लॉक के लिए आप बटन दिया गया है यहाँ पर। साइड मिरर्स के लिए लॉक जो है मतलब बंद करने और खोलने के लिए बटन दिया गया है, और एडजस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं इसको ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी में। अगर सीटिंग की तरफ मैं आता हूँ तो सीटिंग में आप देख सकते हैं टू कंट्रास्ट में ब्लैक कलर और बीच कलर में आपको सीटिंग मिलेंगी, जिस तरह जेपनीज़ वेरियंट में जेपनीज़ गाड़ियों में जेपनीज़ अल्टो में बीच कलर में आता है, तो इसी तरह VXL में भी आपको बीच कलर में सीट्स मिलेंगी। अच्छा जी, मेट भी आपको जो है अल्टो मोनोग्राम के साथ मिलेंगे इसमें। और यहाँ पे अगर स्टेयरिंग की मैं बात करता हूँ तो स्टेयरिंग जिस तरह जेपनीज़ अल्टो में आपको स्टेयरिंग मिलता है, उसी तरह आपको इसमें भी जो है स्टेयरिंग मिलेगा। VXL और VX और VXR तीनों में एक जैसी स्टेयरिंग आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पे मीटर की मैं बात करूँ, असल में लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा, तो मीटर भी तीनों वेरियंट्स में सेम ही आपको मिलेगा। VX VXR और VXL में आपको सेम ही मीटर आपको मिलेगा, और जिस तरह जेपनीज़ है जेपनीज़ मीटर भी इसी तरह दिखता है, तो ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है जेपनीज़ और पाकिस्तानी अल्टो मीटर में। यहाँ पे अगर देखते हैं तो स्क्रीन आपको मिलेगी इस गाड़ी में VXL में। अच्छा जी, ये 2021 मॉडल है, मैं साथ में बताना भूल गया, 2021 मॉडल है और सिर्फ 1000 किलोमीटर चली है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। आखिर में इसकी प्राइस भी मैं बताऊंगा, अगर किसने लेनी हो तो एड्रेस में बता दूंगा, कोई इंटरेस्ट हो, किसी को इंटरेस्ट हो लेने में तो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल की बात की जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, जिस तरह उसमें असल में VXR और VX में डिफरेंस जो है उसमें AC का डिफरेंस है। VX में सबसे अनलोडेड वेरिएंट होता है, सबसे कम तरीन, और उसमें AC नहीं आता, और VXR में AC आता है। वो दोनों मैनुअल गियर होती हैं, और VXL जो है VXL आपको ऑटोमेटिक मतलब AGS में आपको मिलेगा ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, ऑटो गियर शिफ्ट, मतलब आप ऑटोमेटिक में भी चला सकते हो और मैनुअली भी आप इसको चला सकते हो। क्लाइमेट कंट्रोल जो है VX और VXR और VXL इन दोनों का क्लाइमेट कंट्रोल सेम ही है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर स्विच बोर्ड की बात की जाए तो स्विच बोर्ड जिस तरह जेपनीज़ अल्टो में टू टोन में आता है, ग्रे या ब्लैक आप कह लें, और बीच कलर में, इसी तरह VXL में भी आपको टू टोन में मिलेगा, बीच कलर में और ग्रे कलर में। अगर इस साइड की भी मैं बात करूँ, यहाँ पे भी बीच और ब्लैक कलर आपको मिलेगा, और VX में जो है आपको टोटली ग्रे कलर में या ब्लैक कलर में दोनों का मिक्सचर है। तो ग्रे के लिए आप कि ग्रे में आपको मिलेगा, उसमें टू टोन आपको नहीं मिलेगा। इसकी इस बीच की कलर की वजह से काफ़ी जो है लुक में मतलब खूबसूरती आती है। तो ये एक दूसरा चेंज हो गया गाड़ी में। अच्छा जी, इसकी माइलेज भी चेक करेंगे, फ्यूल कंजम्पशन के बारे में जानेंगे कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन कैसी है। तो आइए देखते हैं इसकी फ्यूल कंजम्पशन, मैं चाबी निकाल लेता हूँ इसकी। अच्छा जी, और रिमोट कंट्रोल भी आपको साथ में दिखाता चलूँ, रिमोट कंट्रोल में भी ये सच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मतलब आप लॉक ऑन लॉक कर सकते हो बाहर से। तो पहले इस वाले को स्टार्ट करते हैं कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन कैसी है।
आप यहाँ पे देखते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे जी ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 18.4 किलोमीटर पर लीटर, तो ऑटोमेटिक गियर के साथ ये 18.4 मतलब बहुत ही अच्छी फ्यूल कंजम्पशन है। अगर इसको जैपनीज़ के साथ कंपेयर करूँ तो जैपनीज़ भी आपको 18 के लगभग आपको फ्यूल एवरेज देगी। तो फ्यूल कंजम्पशन अगर आप देखें तो जैपनीज़ ये नी चार्ज और इसका दोनों का सेम ही है, तो इस लिहाज से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, इसके पीछे जाते हैं, पीछे सीटिंग की भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। हैंडल्स की तो बाद में यहाँ गली के भी एक्सल में आपको कलर के साथ मैचिंग हैंडल्स मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये बटन आप देख सकते हैं, जिस तरह कल्टस में पावर विंडो का बटन आता है उसी तरह इसमें भी आता है। अच्छा जी, स्पेसिंग की अगर बात करते हैं लेग स्पेस की, तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कुशादा लेग स्पेस है। और जिस तरह जेपनीज़ अल्टो में जगह है काफ़ी ज़्यादा, इस तरह इसमें भी है। और लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, वेट में कोई डिफरेंस नहीं है जेपनीज़ अल्टो के साथ। सीट भी बिल्कुल फ्लैट है, मतलब इजीली आप तीन बंदे यहाँ पे बैठ सकते हो। नॉर्मली तो ये दो बंदों के लिए होते हैं जैपनीज़, उसके हिसाब से क्योंकि उसमें हेडरेस्ट आते हैं, इसमें हेडरेस्ट नहीं आते पीछे, जो लोडेड वेरिएंट है जैपनीज़ में। अच्छा जी, इसकी बात ऑलरेडी हो गई, ट्रंक स्पेस की भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ट्रंक स्पेस अगर देखा जाए, जिस तरह जैपनीज़ अल्टो में थोड़ी बहुत स्पेस है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्का पुल्का सामान आप रख सकते हो, ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इस तरह सेम जगह है जिस तरह जेपनी जल्टों में है। अच्छा जी, आइए अभी चलते हैं VXR की तरफ जाते हैं। तो VXR अगर आप देखते हैं तो VXR के सिर्फ और सिर्फ हैंडल्स और साइड मिरर्स में बाहर से फ़र्क है, पीछे के जो हैंडल है वो भी आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। अच्छा, इंटीरियर की तरफ अगर जाते हैं तो इंटीरियर में अगर आप देखते हैं तो टोटली आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मैनुअली आप मिरर को मतलब विंडोज़ को ऊपर नीचे करेंगे, जिस तरह पुराने मेहरान में पुरानी गाड़ियों में आता था, आपको ऑटोमेटिक कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। अच्छा जी, सीटिंग की अगर बात करते हैं तो ब्लैक कलर में और ग्रे कलर की मैचिंग में आपको मिलेगा, कुछ खास नज़र नहीं आता क्योंकि बीच इंटीरियर के साथ गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है। स्टेयरिंग की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मीटर की अगर बात करें तो मीटर भी बिल्कुल सेम है, और मीटर के अलावा अगर यहाँ पे इसकी फुल कंजम्पशन चेक की जाए तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें इसकी माइलेज तकरीबन 19 किलोमीटर शो हो रही थी। और साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे इसके गियर की बात करूँ तो आपको मैनुअल गियर मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कॉलम गियर आपको नहीं मिलेगा, और ये मैनुअल ही आता है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बाद लोगों को मैनुअली पसंद है, लेकिन आज के दौर में मैनुअली गाड़ी चलाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ही जो है एडवांस ज़माना हो गया है और उसमें आजकल लेडीज़ भी जो है इजली ऑटोमेटिक चला सकती हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है उनको। क्लाइमेट कंट्रोल अगर भी बात की जाए तो क्लाइमेट कंट्रोल VXL और VXR दोनों का सेम ही है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ VX में जो है AC सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर यहाँ पे स्विच बोर्ड की मैंने जिस तरह बात की तो आपको बिल्कुल सेम उसमें मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे VXL में बीच कलर में था और यहाँ पे ग्रे कलर में, और इस गाड़ी में VXR में दोनों सेम ही कलर में हैं और एज सच कोई और डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, ये दोनों की प्राइस की अगर बात की जाए तो VXL जो पैकेज आपको मैंने शो किया था जो सामने खड़ा है, तो ये 1000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, 2021 मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है और इसकी 19 लाख रुपए यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। और जिस गाड़ी में मैं अभी बैठा हूँ VXR, ये 4000 किलोमीटर चल चुकी है और 2021 मॉडल है, दोनों भी 2021 मॉडल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेरियंट का फ़र्क है। और इस गाड़ी का जो है 17 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपये जो है प्राइस में डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ ये जो लोडेड अनलोडेड की बात है और फीचर्स में जो डिफरेंस है उस वजह से। तो अगर किसी ने लेनी हो गाड़ी, कोई इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे प्रीमियम इंपोर्ट्स रिंग रोड पेशावर अलमास कार वैली में आ सकता है, और यहाँ पे अगर दोनों में कोई भी गाड़ी पसंद हो तो बिल्कुल ख़रीद सकता है। और काइंडली हमारी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई मतलब हमसे पॉइंट रह गया हो या कोई गलती हो, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसमें जो है बेहतरी लाएं। और अभी अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।